हिचकी या सिनेमाच्या निमित्तानं राणी मुखर्जीनं खास शाहरुख खानची मुलाखत घेतली आहे. बघूया काय म्हणाला शाहरुख. शाह माय डार्लिंग, वन थिंग आय ऑलवेज वॉन्टेड टू आस्क यू, व्हॉट हॅज बीन दॅट वन रोड ब्लॉक इन युअर लाईफ ऑर अ हिचकी दॅट यू हॅव फेस्ड ऑर यु नो यू हॅव नोन इन युअर लाईफ विच यू ओव्हरकम अँड यू बिकम दिस ग्रेट सक्सेस स्टोरी. द ग्रेटेस्ट हिचकी मोमेंट इफ आय कॅन थिंक ऑफ इट इज द डेथ ऑफ माय पेरेंट्स. मैं 15 साल का था जब मेरे फादर की डेथ हो गई और फिर 24 साल का जब मेरी माँ चल बसी और कहीं ना कहीं पर सडनली वो अवॉइड हो गया. मेरे पेरेंट्स दोनों ऐसा एक्चुअली सडनली गए, बिल्कुल हेल्दी थे और जैसे मालूम पड़ा उनको कैंसर है और 2.5 महीने में दे वर बोथ गॉन. सो आई डिडंट नो व्हाट टू डू, सो आई जस्ट फेल्ट वन नाइट व्हाइल ऑन द मज़ार, मैं दुआ करने जाता हूँ वहाँ पर, तो जब शुरू में वहाँ गया तो ऐसा मेरे को आया कि यार मैं इसको कुछ फिल कर लूँ किसी चीज़ से. And because itne sare emotions the, there were so many sentiments attached, so I kept that pain in me. But because you need to take that pain out, you need to vent sometimes. Jo dil mein emotions hain, wo bahar nikalna bahut zaruri hai. To mujhe fortunate break mila ki mujhe filmon mein kaam mila. For me, acting is not a profession. For me, acting is that little vent ki main apna dukh, khushi bhi. छोटी छोटी बातें जो मेरे माँ बाप से जुड़ी हुई हैं उनको मैं किसी ना किसी तरह से पर्दे पे दर्शाऊं या उसको आहिस्ता आहिस्ता करके निकालूं. एंड आई ऑलवेज टेल माय फैमिली दैट एक दिन सुबह मैं उठूंगा और वो सारी इमोशंस मैं निकाल चुका हूँ और तब मैं एक्टिंग करना बंद कर दूंगा बिकॉज आई वोंट हैव एनी मोर टू गिव. व्हेनेवर डेथ हैपेंस इट हैपेंस, देयर इज नो कमिंग बैक फ्रॉम डेथ. सो सूनर आई एक्सेप्टेड दैट हिचकी इन माय लाइफ एंड आई सेड ये तो हो गया, अब ये जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा. But I will not let it take me down. किसी हिचकी से कुछ चला जाए तो खुदा जो ये जिंदगी लेता है वो बहुत जरिए भी बनाता है उस हिचकी को ओवरकम करने का. So I think for me that would be the moment of हिचकी which God has helped me over. Free 24 Stars रहा एक पाउल पुढ़े.